ओके okay, देखो तो इसका हम दूसरा एनएफए भी बना सकते हैं ठीक है मैं कहता हूं मैं एक सिंगल भी लेकर के फिर गया दैट इज फाइन बट मुझे विद द हेलो एप्सिलॉन मूव्स एप्सिलॉन एनएफए बनाना है एप्सिलॉन की ट्रांजिशंस का यूज करके मुझे एनएफए बनाना है सो so, मैं क्यू नोड से एप्सिलॉन कंज्यूम करके q1 पे गया दैट मींस विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल दिस वन अब मैं गया यहां पर अब मुझे मैं कहता हूं मुझे एक बी ए नहीं मिला ओनली बी इज एक्सेप्टेड इफ बी के मल्टीपल मूव्स आर एक्सेप्टेड सो दिस कैन बी देयर

प्रोसीजर फाइन अब इसके लिए सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए एप्सिलॉन क्लोजर क्लोजर और इट इट कैन बी मैं स्टेट ऑफ एनी स्टेट कैन बी फाइंड आउट एप्सलेंट क्लोजर ऑफ एनी स्टेट इज वो सभी स्टेट जिसको जो रीच की जा सकती है या जहां पहुंचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एपसाइलेंट मोम्स ठीक है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट दैट मींस की अगर मुझे क्यू नोड का एप्सन क्लोजर निकालना है सो क्यू नोड का क्लोजर वो सभी स्टेट्स होंगी जहां मैं जा सकता हूं क्यू नोड से विद द हेल्प ऑफ विद्पेलन अगर मैं क्यू नोड की बात करूं क्यू नोड से मैं क्यू नोड तो जा ही सकता हूं सेल्फ स्टेट है सो क्यू नोड तो आई कैन ऑलवेज गो विद हेल्प ऑफ एपसेन क्यू नोड पे अगर मुझे एपसेलन मिले तो मैं क्यू वन तक जा सकता हूं दैट मीन क्यू नोड क्यू नोड पे एप्सलन कंज्यूम करके आई कैन गो टू क्यू वन सो so Q1 वन विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ Q नोट सिमिलरली क्या मैं Q नोट से Q2 टू जा सकता हूं यस yes. क्यू नोट से Q2 टू जा सकता हूं क्योंकि क्यू नोट से एक एप्सेलन लिया फिर नेक्स्ट एप्सेलन लिया फिर क्यू टू आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सेलन डॉट एप्सेलन क्यू नोट पे अगर मुझे एप्सेलन डॉट एप्सेलन मिल जाए आई विल बी टू क्यू टू एप्सेलन डॉट एप्सेलन क्या होता है ओनली एप्सेलन ओनली एप्सेलन दैट मींस विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग विद एप्सायन फ्रॉम क्यू नोट टू क्यू टू आई कैन गो सो क्यू टू सो दिस इज द्लोजर ऑफ दिसमिलरली वी कैन फाइंड आउटर ऑफ क्यून एंड इज द प्रोसीजर ऑफ एप्स एप्सलन ये कहता है कि वो, कि वो सभी स्टेट जो कि पहुंची जा सकती है दो आर रीचेबल विद्प ऑफ एप्सलैंड मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट जिसका मुझे निकालना है ठीक है सो एंड दिस में

आई पर कुछ भी मो देखो जो डेल्टा डैश है इज़ इज़ द ट्रांजिशन ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ़ न्यू इसके लिए मुझे आउट करना है है कि क्यों आई स्टेट अगर उसमें है कोई तो उससे X मुझे अगर मिलता है तो मैं नेक्स्ट स्टेट जाऊंगा इसके लिए प्रोसीजर हियर

अब अगर मुझे अब अगर मुझे इस एपल एन एफ ए से इसका एन एफ ए बनाना है तो मुझे इसकी सभी स्टेट के ट्रांजेक्शन चाहिए होंगे ठीक है अगर दो इनपुट थ्री इनपुट ए बी एंड सी सो मुझे थ्री इनपुट आर रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू एवरी स्टेट कैसे दैट मीन कि मुझे सबसे पहले चाहिए होगा डेल्टा डैश क्यू सबसे पहले मैं क्यू नोड की बात करता हूं क्यू नोड और क्यू नोड पे क्या क्या इनपुट हो सकते हैं ए बी एंड सी कैन बी देयर ठीक है सो so, आप क्यू नोड से सबसे पहले ए निकालें दिस विल बी इलेबरेटेड एज एप क्लोजर ऑफ डेल्टा दिस वन इज क्लोजर ऑफ दू नोड सो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं एप्सलैंड क्लोजर ऑफ क्यू नोड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नोड इज दिस वन ये हमने फाइंड आउट किया था दिस इज क्यू नोड क्यू वन क्यू टू सो दिस वन इज डेल्टा ये टर्म यहां से यहां तक दिस वन इज

कहा जा रहा हूं क्यू वन से कहीं भी नहीं जा रहा दाइव आई कैन से क्यू टू से क्यू टू से फाइव कह सकते हैं नो स्टेट कह सकते हैं क्यू टू से कहां जा रहा हूं क्यू टू से ए भी कहीं नहीं जा रहा ओनली मूव ऑफ सी सो दट इज ऑल्सो फाइव सो दिस इज दी एपसाइलेंट स्टार ऑफ क्यू नोट ओनली ठीक है सो क्यू नोड का एप्साइल स्टार हम लोगों ने क्या निकाला था अभी दिस इज क्यू वन so this is q1 q2 like this one okay that means this transition on the new NFA new NFA q node se a par main in particular states par jaunga similarly I will find out the delta dash for delta dash for q node पर तीन move चाहिए मुझे b का move भी चाहिए c का move भी चाहिए b भी कैलकुलेट कर रहा है this is again epsilon star of this one is Delta, this is the epsilon star of this is q node, comma b, and this one is like this one. So, this is epsilon star, and this one is delta. This one is epsilon star of q node is q node, comma q1, comma q2. You have to find out here, and this one is comma b. This one is this one is comma b. okay so this is like this one so epsilon star this is again delta dash q no this will be expanded as q node se b kahan jana hai union delta q node se q1 se b kahan jana hai union delta Q q2 se b kahan jana hai q2 se b kahan jana hai देखो यहाँ पे ये ट्रांजिशन फंक्शन दिया है ना तीन स्टेट के साथ तो मैं इंडिविजुअली देखूंगा सभी को ठीक है इंडिविजुअल में कहा, कहा जा सकता हूँ डेल्टा ये टर्म ये टर्म क्या है क्यू नोट से बी पे कहा जाता हूं मैं नोट से बी कहीं जा पा रहा हूँ कहीं भी नहीं जा पा रहा so, से B कहा जा पा रहा हूँ यूनियन क्यू टू से बी कहा जा पा रहा हूँ क्यू टू से बी कहा जा पा रहा हूँ कहीं भी नहीं फाइव सो दिस वन इज एप्सोलेंट स्टार Q1 वन ओनली और Q1 का क्या मैंने निकाला था नहीं सो so, ये हम निकाल लेते हैं एप्सोलेंट स्टार ऑफ Q1 वन इज

सी बिकॉज क्यू नोड पे मुझे सी का मूव भी चाहिए होगा सो डेल्टा डैश डेल्टा डैश क्यू नोड सी पे मुझे कहा जाना है सो अगेन दिस इज एपसाइल स्टार एंडल्टा एपसाइल स्टार दिस इज द्यू नोड कोमा सी क्यू नोड कोमा सी ठीक है सो दिस वन इज दिस वन इज डेल्टा एपसेलन स्टार क्यू नोड ये क्या है दिस वन इज

Q से सी कहा जा रहा हूँ फाइव क्यू वन से सी कहा जा रहा हूँ सी कहा जा रहा हूँ क्यू टू ओनली सो दिस इज क्यू टू ओनली नहीं निकाला था हमें स्टार्टिंग में ही निकाल लेना चाहिए था सो so Q2 टू का एप्सलन स्टार Q2 टू का एप्सोलन स्टार विल बी Q2 से एप्सलन पर कहा जा पा रहा हूँ ओनली Q2. सो ओनली क्यू टू ठीक है देखो प्रोसेस ये है सबसे फर्स्ट स्टेप मुझे करना है सभी स्टेट्स का जो जो स्टेट्स मेरे स्टेट में गिवन है उन सभी के मैं क्लोजर निकालूंगा फिर मैं ये सभी सभी स्टेट्स के लिए ये मूव कंप्लीट करूंगा सभी स्टेट्स के लिए ठीक है सो तो अब मैं इसको थोड़ा ऐसे एलिब्रेट करने की कोशिश करता हूं दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम यू नोट डाउन बाय वीडियो। अब इसके लिए मैं एक टेबल बनाना स्टार्ट करूंगा आप डायरेक्टली टेबल बना सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है ठीक है so, सो मैंने एक टेबल बनाई दिस इज क्यू एंड दिस वन इज सिग्मा एज देर आर थ्री इनपुट्स आर देयर थ्री ए इज देयर बी इज देयर एंड सी इज देयर ओके एंड हियर आई एम कैलकुलेटिंग द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ईच स्टेट एप्सलेंट क्लोजर हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर आप डायरेक्टली अगर आपको एप्सिलॉन गिवन है आप सीधा इस पर इस टेबल पर आए इस टेबल से क्यू नोड से एप्सिलॉन क्लोजर आपका पहले कौन कौन से स्टेट्स हैं क्यू नोड क्यू वन क्यू टू देर आर थ्री स्टेट्स सभी क्लोजर क्या थे? नोड था क्यू नोड क्यू वन क्यू टू क्यू वन का क्या था क्यू वन क्यू टू टू का क्या क्या क्यू नोड कोमा क्यू वन कोमा क्यों टू ठीक है सो नेक्स्ट बी के मूव क्या आए हैं दिस इज क्यू नोड से बी अगोर्डेड क्यून क्यू वन कोमा क्यू टू सिमिलरली क्यू नोट से सी का मूव क्या है ओनली क्यूं टू ओनली क्यूं टू दिस इज इक्वल टू क्यू टू ओनली क्यों टू ये क्यों टू आया था ना क्योंकि इसका एक्चुअली स्टार ऑफ क्यों टू इज

एक्सेलेन्ट क्लोजर ऑफ दिस वन वाज q1 एंड q2 ओनली अब q1 से q2 पे अगर मुझे जाना है सो so इसका ये फंक्शन को जब मैं इलेबोरेट करूंगा इस पूरे फंक्शन को आई विल बी गेटिंग दिस वन q नोड विल नॉट बी देयर ओनली q1 एंड q2 विल बी देयर ओके सो q1 से पे कहां जा रहा हूं q2 से पे कहां जा रहा हूं q1 से जब मैं a पर जाऊंगा q1 से मैं a पर कहां जा रहा हूं q1 से a पर मैं कहीं भी नहीं जा रहा दैट इज पाई दैट इज पाई एंड क्यों टू से ए कहा जा रहा हूं क्यों टू से ए भी मैं कहीं क्यों टू से ए पर मुझे कहा जाना है क्यों से कहीं नहीं जा रहा क्यों टू से भी मैं कहीं नहीं जा रहा दैट इज सो दिस इज इज ओनली एंड लाइक दिस वन सो स्टार ऑफ एप्स इज नो स्टेट फाइव मीन देर इज नो स्टेट सो दिस इज इक्वल टू फाइव ओनली सो दिस इज इक्वल टू फाइव ओनली दिस इज फाइव ओनली सिमिलरली Q1 से मुझे B देखना है अब मुझे देखना है Q1 से B, ठीक है Q1 से B देखना तो I will be here. अगेन एप्सलिस्ट स्टार ये टर्म कितनी है ये टर्म Q1 का एप्सल क्लोजर क्या है Q1 वन एंड क्यू सो दिस इज Q1 वन एंड क्यू टू सो दिस इज ओनली Q1 वन एंड क्यू ओनली ठीक है हमने पिछले में चेंजेस किया ताकि हमें ज्यादा लिखना ना पड़े You can post the video and you can get it. अगर कहीं भी कुछ भी doubt है, you can comment me. Anyways, so Q1 से

क्यों q2 से सॉरी यहां पर q2 से a क्योंकि ये ट्रांजिशन फंक्शन तो epsilon nf हैगा है ना हां तो so q2 से एक जा रहा हूं f5 सो दैट इज 5 5 5 5 देयर इज नो इशू अगेन नेक्स्ट नीड आई नीड टू लुक फॉर q2 rather than q1 i need to check for q2 सो so q2 से b कहां जा रहा हूं ये देखना है अगेन दिस टर्म विल बी एज इट इज बस दिस टाइम दिस विल बिकम q2 q अब epsilon स्टार ऑफ q2 क्या है ओनली q2 ओनली q2 अब Q2 से B कहां से सो दिस टर्म विल नॉट बी देयर क्योंकि Q2 ही है ना केवल यार Q2 ही है सो so, डेल्टा Q2 B डेल्टा Q2 B अब डेल्टा Q2 B क्या है इसका मतलब यह है कि मैं Q2 B से कहां जा रहा हूं Q2 से B कहीं जा रहा हूं कहीं भी नहीं जा रहा phi सो एप्सिलॉन स्टार ऑफ phi दैट इज phi ओनली दिस इज एप्सिलॉन स्टार ऑफ phi इज phi ओनली ठीक है सो दिस इज phi द थर्ड टर्म Q2 से C कहां जा रहा हूं Q2 से C

टू से सी क्यू टू ओके ना वट वट वॉज माई इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट इज सेम एज इन केस ऑफ एफ एन एफ ए वट व फाइनल स्टेट फाइनल स्टेट वो सभी फाइनल स्टेट होंगी जिसके भी क्लोजर में इसकी फाइनल स्टेट आ रही होगी ठीक है

वो स्टेट वेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी सो ऑल थ्री फाइनल स्टेट्स फाइन सो अब मुझे से करस्पोंडिंग एनएफए कंस्ट्रक्ट करना है आई एम कंस्ट्रक्टिंग द एनएफए आई एम जस्ट रबिंग दिस सो द एनएफए विद रिस्पेक्ट टू दिस वन देयर विल बी थ्री स्टेट्स q1 q2 एंड q3 ओके अब q1 से a कहां जा रहा हूं

मैं Q2 टू भी जा रहा हूं मैंने इसी पे कोमा करके बी कर दिया क्यू वन और Q2 टू दोनों चला गया ना मैं बी से क्यू नोड पे मुझे बी मिलेगा तो मैं Q1 जा रहा हूँ क्यू नोड से बी मिलेगा तो मैं क्यों टू जा रहा हूँ सी मिलेगा तो मतलब so, क्या है कि मैं ए के साथ बी के साथ भी चलिए जरा नेक्स्ट क्यों वन से ए कहा जा रहा हूँ फाइव फाइव मीन नथिंग नोवेयर क्यू वन से बी कहा जा रहा हूँ क्यू वन क्यों टू क्यू वन से बी Q1 भी जा रहा हूं और क्यों टू भी जा रहा हूं दोनों स्टेट पर जा रहा हूं क्यों से सी कहां जा रहा हूं क्यों टू ओनली क्यू वन से C only Q2. मैं इसी पे कोमा कर दिया मैंने कि मैं अगर Q1 पे C मिलेगा तो भी मैं क्यों टू पे जा रहा हूं नेक्स्ट वन इज क्यू टू क्यों टू से ए फाइव फाइव इज नथिंग क्यू टू से बी बी मीन फाइव फाइव इज नथिंग क्यूं टू से सी सी इज सी ओनली सो दिस वन इज सी बन गया अब क्या करना है फाइनल स्टेट और मेंशन करनी है सो दिस स्टेट विल बी द फाइनल स्टेट एज ऑल थ्री स्टेट्स आर फाइनल स्टेट्स दिस इज द फाइनल स्टेट्स एंड दिस वन इज द फाइनल स्टेट सो दिस इज द एनएफए विदाउट एप्सिलॉन एनएफए विदाउट एप्सिलॉन सो मैंने क्या किया मैंने एक जो एनएफए था विद एप्सिलॉन इस एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए विदाउट एप्सिलॉन में कन्वर्ट किया है ठीक है पहले देखो स्टेप फिर से हम रिवाइज कर देते हैं सबसे पहले हम ये बनाएंगे जो हमारे पास एफ एन एन एफ एन होगा आपको इस एफ एन एफ ए से हम इसके ट्रांसिट हम इसके नहीं जो नया एन एफ ए बनने वाला है उसकी ट्रांसिटर बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले स्टेप वन क्लोजर निकालेंगे सभी के जितनी भी स्टेट इसमें है क्यू नोट क्यू वन क्यू टू सभी के क्लोजर निकालेंगे फिर ये मूव फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे द फॉर्मूला फॉर दिस वन इज दिस वन डेल्टा डैश ओके मैं हर एक स्टेट्स के लिए हर बार तीनों इनपुट्स के लिए ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा